हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सैमसंग के 5-in-1 कन्वर्टेबल एक रेफ्रिजरेटर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है RT42C5532S8, जो कि सिल्वर कलर में आएगा। ठीक है, आप अंदर से देखेंगे फ्रीजर के अंदर ये आपको कोल्ड पैड जेल मिलेगा, जो कि कंपनी ये कहती है कि अगर आपके घर में 4-5 घंटे के लिए फ्लक्चुएशन होती है, लाइट चली जाती है, तो ये कूल पैक जेल इसकी जो कूलिंग है वो मेंटेन करके रखेगा अगले 15 घंटे के लिए। और ये ट्विन कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। एक्चुअली कंपनी ने इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि ऊपर की कूलिंग अलग रहेगी और नीचे की कूलिंग अलग रहेगी, जिस भी टेम्परेचर में आप इसको सेट करते हैं। अगर आप देखेंगे नीचे वाले कंपार्टमेंट में, तो आपको एक चिलर ट्रे मिल रहा है। ठीक है, ये चिलर ट्रे मिलेगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 शेल्फ मिलेंगे आपको, और 1, 2, 3 ये एक्सट्रे मिलेंगे, और ये 2-2 लीटर्स की बॉटल्स के लिए। और इसमें देखेंगे काफ़ी बड़ा ये वेजिटेबल बास्केट मिलेगा, जो कि वेजिटेबल फ्रूट बास्केट है, काफ़ी बड़ा मिलेगा, जो कि पीछे से फाइबर होगा और आगे से एक्लैरिक होगा, कि आप बाहर से ही देख पाएंगे कि आपका क्या सामान आपके घर फैमिली मेम्बर्स ने स्टोर किया हुआ है। साथ ही में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5-in-1 कन्वर्टेबल मॉडल है, इस 5-in-1 मॉडल ये कन्वर्टेबल मॉडल में ये किस किस मोड्स में कन्वर्ट होगा, जैसे कि इसमें एक सबसे पहला जो मोड आएगा वो आएगा रेगुलर मोड। रेगुलर मोड में जैसे आप इस रेफ्रिजरेटर को प्लग इन करते हैं, तो ऊपर का जो फ्रीजर है, ऊपर का फ्रीजर रहेगा, नीचे का फ्रिज रहेगा, जो कि इसकी एक नेचर है। दूसरा मोड ये आएगा जैसे कि आपकी फैमिली में कोई ओकेजन है, फैमिली में गेस्ट वगैरह आते हैं, तो आपको फ्रीजर की जरूरत कम है या नहीं भी होती, तो आपको सब्जियां वगैरह ज़्यादा स्टोर करनी पड़ती है, तो ये स्टोरेज, अगर फ्रिज स्टोरेज आपको कम पड़ती है, तो आप ये फ्रीजर कन्वर्ट 3 सेकेंड्स के लिए आप इसको टैप मतलब होल्ड करके रखेंगे फ्रीजर कन्वर्ट को, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा फ्रिज में, कि आप अपनी सब्जियां ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। इसका दूसरा मोड जो आएगा वो उसमें क्या करेंगे आप, अगर आपको मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, आपको इतने बड़े फ्रिज की जरूरत नहीं है, आप नीचे के कंपार्टमेंट को बंद करके आप सिर्फ इसको मिनी फ्रिज बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें जिस मोड को मैं बोलूँगा होम अलोन मोड। तीसरा मोड इसमें ये है कि आप कहीं वकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं वकेशन में जा रहे हैं, और आपने सब्जियाँ सारी कंज्यूम कर ली हैं, ठीक है, 10-15 दिनों के लिए आप बाहर जा रहे हैं, इसमें सिर्फ बच्चों के लिए मैकेन्स हैं या आइसक्रीम रखी हुई है आपने या चॉकलेट्स रखी हुई हैं, तो उस केस में क्या करेंगे आप, नीचे का कंपार्टमेंट बंद करके ऊपर का कंपार्टमेंट सिर्फ फ्रीजर छोड़ सकते हैं, जो कि जो भी टेम्परेचर आपने -24 या -18 आपने जो सेट किया हुआ है वो उसी पे रन करता रहेगा। इसका जो फोर्थ मोड आएगा वो फोर्थ मोड में ये है कि मेरी फैमिली, कुछ लोग फैमिली में से चले गए हैं वकेशन पे या छुट्टियों पे चले गए, कहीं घूमने चले गए हैं, और मेरी फैमिली 4 लोगों की बची है। ठीक है, मुझे ये पूरा 385 लीटर की कैपेसिटी जो है 385 लीटर पूरा यूज़ नहीं करना है, तो मैं उस केस में इस कंपार्टमेंट को, फ्रीजर कंपार्टमेंट को बंद कर दूंगा, जो मेरा ये फ्रिज है ये फ्रिज चलता रहेगा। और इसका जो लास्ट और फिफ्थ मोड है वो रहेगा फैमिली मोड। मेरी फैमिली में 6 से 7 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 3 लोग चले गए हैं दिल्ली से बाहर। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि मैं इस पूरे रेफ्रिजरेटर को, मेरे को पूरे फ्रिज की उसमें भी जरूरत नहीं है, तो मैं ऊपर का कंपार्टमेंट बंद कर दूंगा, मेरा नीचे का फ्रिज कंपार्टमेंट चलता रहेगा। ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग रहेगी, जो कि ऊपर का कंपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा। साथ ही में मैं इसकी बात करूंगा, ये 2-स्टार रेटिंग में आएगा, ये देखेंगे आप 2-स्टार रेटिंग है, पूरे साल में 24 घंटे इसके चलने के बावजूद ये 285 यूनिट्स ले रहा है पर ईयर, और इसमें 1 ईयर कंप्लीट वारंटी है, जो कि 1 ईयर के लिए सारे फंक्शनल पार्ट कवर्ड है, और इसकी कंप्रेशर की वारंटी रहेगी 20 ईयर्स, 20 साल के लिए आपका कंप्रेशर कवर्ड रहेगा कंपनी की साइड से। अगर इन केस 4th साल 5वें साल 20 साल तक कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो टेक्नीशियन सिर्फ आने विजिट चार्ज लेगा, कंप्रेसर अगर चेंज हुआ उसका कोई पैसा नहीं लेगा। बाकी इस यूनिट की, ये पूरे के पूरे यूनिट की अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो 44 से 45 हज़ार रुपये के रेंज में ये बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। आप मार्केट में इसके रिव्यू अगर चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं, और इसकी सर्विस की अगर मैं बात करूं, ये ग्लोबल नंबर 1 है, काफ़ी अच्छी सर्विस है, सेम डे सर्विस देने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है। थैंक यू।